मुंगेर में राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप स्मृति समारोह सह राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस को लेकर मुंगेर के मुंगेर क्लब पहुंचे जेडीयू एमएलसी संजय सिंह मीडिया से कहें, हम सभी राम के वंशज हैं और अभी जो हो रहा है वह प्योर पब्लिसिटी है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर से लल्लन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे तो बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। पटना में 28 जनवरी को महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सभी को निमंत्रण और आमंत्रण देने के लिए आयोजित सभा में पहुंचे जेडीयू के एमएलए संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो मौके पर क्षत्रिय समाज के कई नेता और सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मीडिया को दिए अपने बयान में एमएलसी संजय सिंह ने बताया कि हम लोगों के धरोहर को बिहार में देखने वाला कोई नहीं था। जब महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री से मांग की गई तो उन्होंने पटना के हार्ट ऑफ सिटी में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा उसका अनावरण भी खुद मुख्यमंत्री ने किया जिसके लिए उनको धन्यवाद भी देने आए हैं। साथ इसलिए भी आए हैं कि सभी को जगा सके, सभी उठ जागो और अपने समाज के सभी जाति धर्म के लिए लड़ो। वहीं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बताया कि राम वंशज तो हम लोग हैं, राम तो सबके दिल में हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है वह प्योर पब्लिसिटी है और राजनीतिक लाभ के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हम राम की पूजा करते हैं, हम लोग राम के वंशज हैं, राम की पूजा तो सभी घर में करते हैं और ये प्योर पब्लिसिटी किया जा रहा है। 2024 चुनाव के लेकर कहा कि जहां एक और मुंगेर लोकसभा सीट से राजीव सिंह उर्फ लल्लन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे तो वही बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। देखिए राम तो सब, राम के तो वंशज हम ही लोग, राम तो सबों के दिल में है, लेकिन ये जो अभी जो हो रहा पब्लिसिटी ये प्योर राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। हम लोग तो राम के पुजारी, हम लोग राम के वंशज, सभी लोग राम के वंशज हैं, राम को तो सब घर में पूजा करते हैं, ये लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं सब। 2024 चुनाव आ ही गया लगभग मान लिया जाए तो ऐसे में क्या स्थिति होगी? हमारे यहाँ से सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय ललन बाबू फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। बिहार की क्या स्थिति होगी? बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, इसके लिए निश्चित रहिए आप। तिथि के रूप में मनाया जाए उसको निमंत्रण और आमंत्रण देने आए हैं, लोगों को जगाने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने निकले कि हमारे पूर्वजों को, हमारे धरोहर को बिहार में कोई सूद लेने वाला नहीं था, लेकिन हम लोग जब महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाए तो माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगे। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में एक मूर्ति लगा, अनावरण माननीय मुख्यमंत्री हाथों से हुआ, उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ और न्योता देने वाला फिर 28 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में आप लोग आए और एकजुट हो। हम जगाने आए लोगों, कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम नहीं आए, लोगों को जगाने आए, जागो उठो, अपने समाज के लिए सभी सभी जाति धर्मों के लिए लड़ो, इसी के लिए आज मुंगेर आए। एक सवाल है, हम लोगों को जाति वर्ग में है, सभी जाति धर्म को, महाराणा प्रताप एक जाति धर्म से थोड़े आगे बढ़े थे, उनके साथ भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था, लोहार भी था, भामाशाह जैसा लोग था जो बनिया समाज से आते हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में तिजोरी खोल दिया। हम सभी जाति धर्मों को लेकर महाराणा प्रताप ने आगे बढ़ने का काम किया, मैं इसीलिए निकला हूँ पूरे बिहार के दौरा। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल सवाल।